वेलकम बैक टू लेट्स एनिमेट। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा एक टाइगर रन साइकिल। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चलता हूं प्रेफरेंस एडिटर में। इधर पे आपके टाइम स्लाइडर फ्रेम रेट 30 fps रहेगा सेव। इधर पे रहेगा 30 fps एंड ऑटो की फ्रेम ऑन रहेगा। उसके बाद मैंने एक रेफरेंस डाउनलोड किया है। तो टाइगर रन बहुत ही फास्ट होगा, इसीलिए टोटल हमें चाहिए 13 फ्रेम्स। ये है फ्रेम नंबर 1 एंड 12। टोटल 12 पोज करने हैं। फ्रेम नंबर 1 एंड 13 रिपीटेशन होगा, सेम पोज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इसमें से मैं सबसे पहले करूंगा फ्रेम नंबर 1 एंड 13, उसके बाद करेंगे फ्रेम नंबर 7 एंड उसके बाद 4 एंड 10। इसके लिए मैं चलता हूँ लेफ्ट व्यू में। तो मैंने इधर पे ग्रिड ऑफ करके रखा है, शो व्यूपोर्ट। ये ग्रिड देखो ऐसा ऑन था, मैंने इसको कर दिया है ऑफ। एंड नीचे छोटा सा एक प्लेन ले लिया है ये पॉलीगन मॉडलिंग से, नॉर्मल एक बॉक्स, ताकि जो सरफेस है वो मुझे थोड़ा इजी दिखे। और ये जो मॉडल है मैंने डाउनलोड किया है highend3d.com से। जब भी हम लोग टाइगर रन करेंगे या वॉक करेंगे, उसके लिए हमें ऐसा आई के सेट चाहिए, मतलब सामने का बॉडी अलग से मूव हो एंड पीछे का बॉडी अलग से मूव हो। तो फर्स्ट पोज रन साइकिल का, तो इसमें दिख रहा है पीछे का बॉडी है, ऊपर जा रहा है थोड़ा अप, पीछे का बॉडी। फ्रेम नंबर 1 चल रहा है, ये पैर पीछे की तरफ ऐसा, फिर घुमा लो। ओके, तो इसको थोड़ा घुमा देते हैं, थोड़ा अप भी करते हैं ऑलमोस्ट। देन पैर में कैसा हो रहा है, पैर और थोड़ा पीछे है ऐसा स्ट्रेट जैसा इधर पे है। तो अपना हेड कैसा है, हेड एकदम स्ट्रेट है, इससे नहीं हो रहा है। चलो इससे तो हो रहा है रोटेशन, हाँ रोटेशन भी हो रहा है। इसके बाद पीछे का लेग, पीछे का लेग है ऐसा, फिर कैसा है, ब्रेक कर रहा है इधर पे, मतलब ऐसा। और उस साइड का लेग है सामने की तरफ ऐसा। और देखो जैसा 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 रेफरेंस में है वैसा ही करने का कोशिश कर रहे हैं। इधर पे है अपना टेल, वैसा ही करेंगे। और थोड़ा उठेगा शायद मेरे हिसाब से, इधर से रोटेट किया। ये रहा फर्स्ट पोज। अभी इसी पोज को हम लोग कॉपी करेंगे फ्रेम नंबर 13 में। तो उसके पहले एक मैं सिलेक्शन सेट बना लेता हूँ, इसीलिए जियोमेट्री सिलेक्शन को ऑफ करते हैं, सबको करते हैं ड्रैग सिलेक्ट एंड एस्पेक्टिव में चलते हैं। ये जो अपना मास्टर एंड सब मास्टर कंट्रोल है, इसको डिसलेक्ट कंट्रोल से, फिर क्रिएट में चलते हैं। अभी कस्टम टैब में हूँ, क्रिएट में चलते हैं, क्रिएट सेट्स एंड क्विक सिलेक्ट। तो इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ फुल बॉडी कंट्रोल, सब सिलेक्ट हो रहा है। अभी फ्रेम नंबर 1 में प्रेस एस। ओके, तो सेट किया चुका है। तो अभी इसी सेट की को मैं कॉपी करूँगा 13 फ्रेम में। फ्रेम नंबर 1 एंड 13 बन चुका है। तो इसके बाद मैंने क्या बोला था, फ्रेम नंबर 7, इसके बीचों बीच ही पड़ता है 7। जैसे मैं इधर पे स्ट्रेट हेड भी कर सकता था, स्ट्रेट हेड मतलब फ्रेम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैं इधर पे पोज टू पोज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी चूज करूंगा फ्रेम नंबर 7 को, कि क्योंकि ये एकदम बीचों बीच है ये फ्रेम नंबर 7। चलो फ्रेम नंबर 7 में चलते हैं, प्रेस एस, पहले ही एस मार देता हूँ। ये अच्छा, ये पर्सपेक्टिव व्यू है, लेफ्ट व्यू में चलते हैं। तो फ्रेम नंबर 7 में साफ दिख रहा है कि अपना जो बैक बॉडी है वो नीचे आ चुका है एंड दो पैर में कॉन्टैक्ट जैसा है। इधर पे रोटेशन को कर देते हैं 0, ये आ गया नीचे एकदम, मैं जो ट्रांसलेट हुआ ये 0 पे कर देते हैं। कैसा अभी पैर है वो चेक करते हैं, पैर एकदम ये जो बैक बॉडी है उसके सीधा सीधा है उसके साथ। ओके, पीछे का पैर भी कॉन्टैक्ट में ही है अभी, मतलब ग्राउंड टच में ही है अभी। चलो इसको ढकेलते हैं पीछे, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं ऐसा। फिर सामने का लेग कैसा है, उसके पहले अपना जो ये बॉडी है फ्रंट बॉडी उसको करना है ऊपर, यस। एंड मेरे हिसाब से थोड़ा रोटेशन इधर पे चाहिए, यस। सामने का लेग साफ दिख रहा है, ऐसा है सामने की तरफ रोटेशन। और बीच बीच में सेव करते रहो कंट्रोल एस। चलो सामने का लेग कैसा है, स्ट्रेट हो गया है। ओके, स्ट्रेट और भी स्ट्रेट। पीछे का लेग बेंड हो चुका है, ऊपर उठ के बेंड, मतलब कैसा ऐसा सीधा आ रहा है ना, सीधा। राइट व्यू में चलते हैं थोड़ा। ओके, इस तरफ
टेल कैसा है, लेफ्ट व्यू में चलते हैं। टेल को देखो, पूरा जो अपना शेप है चेंज कर चुका है। इधर से करेंगे ऊपर, इधर से थोड़ा डाउन में जा रहा है एंड मेरे हिसाब से उस तरफ जा रहा है और थोड़ा पीछे की तरफ हो गया क्या। यस, और इधर पे कंट्रोलर नहीं है, इतना काफ़ी है, थोड़ा इधर पे डाउन होना चाहिए। चलो, बैक बॉडी थोड़ा डाउन किया, ये हो चुका है अपना फ्रेम नंबर 7। अभी जाएंगे जंप टू फ्रेम नंबर 4। ये है फ्रेम नंबर 4, इसमें चलते हैं। मैं जूम इन करता हूँ, प्रेस एस। ये मैं पोज टू पोज स्टाइल में कर रहा हूँ, जैसे फ्रेम नंबर 1 किया, 13 किया एंड उसके बाद 7, अभी 4। ये है अपना 4। 4 में बॉडी पूरा ऊपर है, अपना जो फ्रंट बॉडी एंड बैक बॉडी है पूरा ऊपर लेते हैं थोड़ा एंड उसके बाद अपना पैर को करते हैं। दूसरा पैर कैसा है, पीछे की तरफ है। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड पीछे की तरफ। अभी मैं लेफ्ट व्यू में ही हूँ ऐसा। अगर राइट व्यू में चेक करते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है ऐसा। ये अभी अंदर वंदर जा सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए पोल वेक्टर है, उससे बाहर चला जाएगा लेफ्ट व्यू। इसको थोड़ा अंदर, ओके, रोटेट किया सामने की तरफ क्योंकि बॉडी थोड़ा इधर पे स्क्वीज होना चाहिए, ठीक है, एक जगह पे सिकुड़ना चाहिए। पैर कैसा है ऐसा, पीछे का दूसरा लेग, ओके, थोड़ा गोल टाइप से लगना चाहिए इधर पे बॉडी। एंड ये जो फ्रंट बॉडी है, कंट्रोलेस फ्रंट बॉडी, वो भी ऊपर की तरफ ऐसा बेंड होगा। हेड कहाँ से हो सकता है, इधर से ऊपर की तरफ थोड़ा अप, रोटेशन नीचे की तरफ रहेगा। तो टेल कैसा है, टेल मोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा नीचे की तरफ डाउन हो रहा है फ्रेम नंबर 4, मतलब पहले जैसा था वैसा ही ठीक था। ओके, तो ये बन चुका है अपना फ्रेम नंबर 4। अभी करेंगे फ्रेम नंबर 10, लेट्स जूम इन। तो ये है अपना फ्रेम नंबर 10। तो इसमें साफ दिख रहा है सामने का जो लेग है वो कांटेक्ट मार रहा है, अपना जो फ्रंट बॉडी है उसको लाएंगे नीचे की तरफ एंड कांटेक्ट मारते हैं। चलो नीचे आ जाओ एंड रोटेट एक्स, इसको ज़ीरो करते हैं, पैर को नीचे टच करते हैं एंड ट्रांसलेट वाई को भी ज़ीरो कर देते हैं। उस कैसा है, सामने की तरफ है ऐसा है, तो इतना भी नीचे नहीं चाहिए। चलो तुम ऊपर, दूसरी तरफ का लेग सामने की तरफ है ऐसा, थोड़ा ऊपर देख के ही लग रहा है ऊपर है। हेड कैसा है, हेड के साथ एडजस्ट करना है। हेड एकदम बॉडी के पैरेलल आ चुका है, इसमें कोई भी रोटेशन अभी नहीं चाहिए। ओके, ये कूल, और थोड़ा आगे देख सकते हो, एकदम हेड के उस तरफ चला गया है, मतलब और भी पैर उठेगा, इतना काफ़ी है। अभी थोड़ा पर्सपेक्टिव में उस तरफ जाके चेक करते हैं, ठीक है। चलो लेफ्ट व्यू, कंट्रोल एस सेव करते रहो बीच बीच में। पीछे का सेट पूरा अभी स्ट्रेच हो चुका है, देख सकते हो, रोटेशन नहीं है इधर पे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा स्ट्रेच करते हैं बॉडी को। चलो अभी पीछे की तरफ एंड स्ट्रेच हो जाओ। ये कैसा है, वो लेग तो और भी स्ट्रेच हो गया है पीछे की तरफ ऐसा। एंड अपना जो टेल है वो अभी थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, ये ऐसा जाके फिर इधर से बेंड हो रहा है, नहीं इधर से नहीं, और थोड़ा पीछे से अभी नीचे की तरफ जाएगा। ये जैसा जैसा रेफरेंस में वैसे ही करने का हम लोग ट्राई मारते हैं। ये पीछे कुछ ज़्यादा ही बेंड चाहिए, ज़्यादा डिटेलिंग करने जाएंगे तो ट्यूटोरियल ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये अपना जो 4 मेन पोज है वो बन चुका है, देखते हैं अभी कैसा लग रहा है, थोड़ा प्ले करते हैं। तो ऑलरेडी देखो अपना टाइगर दौड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें अभी ठीक ठाक पोज और ऐड करना होगा। अभी फ्रेम नंबर 2 में चलते हैं। ये है फ्रेम नंबर 2, बॉडी नीचे आने वाला है क्योंकि अच्छा पैर तो नीचे आएगा ही। 1 में कैसा था, ऐसा था, इसको रोटेशन को कर देते हैं 0। पहले तो मैं एक सेट की मार देता हूँ, इससे फायदा होने वाला है। ट्रांसलेट वाई को भी 0। अच्छा ये एंकल से नहीं, टू से, यस टू रोल, और थोड़ा पीछे जाने वाला है। पैर कैसा बिहेव कर रहा है, पैर इधर पे टूटा हुआ है ऐसा, मुझे लगता है थोड़ा
इधर पे ना बाहर निकलना चाहिए, इससे नहीं, पोल वेक्टर से होगा ये, बॉडी में घुस रहा है ना, बेंड टू एंड रोल, यस, जैसे, चलो ये पोज, ये लेग ओवरलैप कर रहा है ऐसा, ओवरलैप एंड ये इसका रोटेशन कम करते हैं एंड आगे लाते हैं। इधर पे हेड ऑलमोस्ट सेम ही है, अपना फ्रेम नंबर 2 भी हो चुका है, फ्रेम नंबर 3 में चलता है। तो फ्रेम नंबर 3 में ये जो पैर है, एक तो ये नीचे रहेगा एंड बॉडी थोड़ा नीचे की तरफ, इसका जो रोटेशन एक्स है उसको 0 मार देते हैं, इसको लाते हैं नीचे, बॉडी को भी, बॉडी नहीं, इधर पे मैं ये जो कंट्रोलर है ना लेफ्ट हिप का, उसको यूज़ किया मैंने। चलो इधर पे थोड़ा उठा हुआ दिखना चाहिए, इसीलिए मैं टू रोल यूज़ करना चाहूँगा, टू रोल, यस, और थोड़ा पीछे की तरफ देते हैं ताकि और भी थोड़ा स्ट्रेच्ड लगे। फिर से लेफ्ट व्यू में चलते हैं, पीछे का जो लेग सेट है वो एक जगह पे सिकुड़ चुका है, जैसे फ्रेम नंबर 4 में भी हो रहा है। तो और एक चीज़, इधर पे ना ये जो पीछे का लेग सेट्स है ये बाहर की तरफ रहता है, बाहर की तरफ पर्सपेक्टिव में चलता है, इसको अगर थोड़ा पीछे लेके गया, हाँ इससे हेड कैसा है इधर पे, हेड देखो थोड़ा स्ट्रेट आ रहा है, अभी ऐसा आ रहा है स्ट्रेट एंड थोड़ा रोटेशन मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ है ऐसा। ओके तो ये बन चुका है फ्रेम नंबर 3, तो देखो धीरे धीरे अपना जो डिटेलिंग है वो बढ़ रहा है। चलो अभी करते हैं फ्रेम नंबर 5, ये है फ्रेम नंबर 5, ऐसा पोज चाहिए हमें, एकदम सीधा बात, अपना जो बैक बॉडी है वो नीचे आ रहा है और ये मार रहा है ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट लेफ्ट व्यू, ये पीछे का लेग थोड़ा इधर एंड सामने का लेग थोड़ा इधर, दोनों में थोड़ा गैप रखने का, पीछे का लेग और पीछे जा रहा है एंड सामने का लेग और थोड़ा सामने जा रहा है, ऐसा ही दिख रहा है मुझे इधर पे। टेल कैसा है, टेल, चलो अपना फ्रेम नंबर 5 भी बन चुका है, हेड को थोड़ा चेक करते हैं। फ्रेम नंबर 5 में हेड थोड़ा और स्ट्रेट पैटर्न में लग रहा है मुझे, एबीबी। फ्रेम नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो ये है फ्रेम नंबर 6, ऑलमोस्ट फ्रेम नंबर 7 के जैसा ही है फ्रेम नंबर 6, तो इसमें रोटेशन जो है वो 0 रहेगा एंड ट्रांसलेट वाई भी 0 आगे की तरफ थोड़ा, एंड ये भी रोटेशन एक्स 0, ट्रांसलेट वाई भी 0 थोड़ा आगे जा रहा है, रोटेशन को कर देते थोड़ा कम। ये देखो ऑफसेट मुझे इधर पे चाहिए था। चलो अपना फ्रेम नंबर 6 भी बन चुका है, तो 6 ये था 6, 6 में टेल कैसा है वैसे करते हैं, देखो एकदम सी बन चुका है ऊपर की तरफ, लेट्स डू इट, यस, थोड़ा इसको करते हैं कम, देखते हैं अपने रेफरेंस से और भी कम हो जाएगा जो कर्व है। तो फोर लेग कैरेक्टर है, कन्फ्यूजन बहुत सारा आ सकता है, इसीलिए ट्यूटोरियल को बार बार देखना है। तो चलो अपना फ्रेम नंबर 6 भी बन चुका है, थोड़ा लेग को चेक करते हैं, ये लेग अलग लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं, फ्रेम नंबर 5 में ऐसा लेफ्ट व्यू। तो फ्रेम नंबर 6 भी बन चुका है अपना, फ्रेम नंबर 7 तो ऑलरेडी किया है, फ्रेम नंबर 8, ये है फ्रेम नंबर 8, जा चुका है स्ट्रेच्ड, ट्रांसलेट वाई 0, रोटेट एक्स 0, यस, एंड थोड़ा पीछे जितना हो सके स्ट्रेच करना है एंड उस तरफ का लेग ऐसा, ओके और थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। टेल कैसा है, टेल 7 में ऐसा है, 8 में देखो एकदम एस बन चुका है, एकदम एस पैटर्न। तो चलो फ्रेम नंबर 8 भी बन चुका है, तो चलो प्ले करके देखते हैं, यस अपना टाइगर तो दौड़ रहा है भाई। अभी फ्रेम नंबर 9 में चलता है, देख सकते हो पीछे का लेग का हालत कैसा है, पीछे का लेग और थोड़ा नीचे आके ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए ये जो कंट्रोलर है इसको पकड़ सकते हैं हम लोग, यस ऐसा ही, एंड ये स्ट्रेट मार रहा है, इसको और भी स्ट्रेच कर सकते हैं एंड
ठीक है, कंट्रोलर तो अपने पास है ही, तो 9 में देखो ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट से पहले इस कंट्रोलर को पकड़ता है। 9 में भी थोड़ा आगे, फ्रेम नंबर 9 भी बन चुका है, तो टेल देखो कैसा है, टेल को करता है। फ्रेम नंबर 9 में है अभी, देख सकते हो, हाँ ऑलमोस्ट एक दूसरा ही पैटर्न बना इससे। फ्रेम नंबर 9 भी हो चुका है, ये रहा अपना फ्रेम नंबर 11, जहाँ पे जो फ्रंट लेग्स है पासिंग मार रहा है, पासिंग। तो इसके लिए रोटेशन एक्स तो हो जा 0 एंड ट्रांसलेट वाई ये भी 0। फ्रंट लेग कैसा बिहेव कर रहा है, फ्रंट लेग नीचे आ रहा है, आगे की तरफ जाके रिटर्न करेगा। ओके, पीछे का बॉडी स्ट्रेच में ही है अभी, फ्रेम नंबर 11 चल रहा है, देख सकते हो कितना स्ट्रेट है। यस, स्ट्रेट बनाते हैं, स्ट्रेट ये लेग, इसको भी स्ट्रेट। टेल कैसा है, नीचे आ चुका है अभी, इसको नीचे लाते हैं, देख सकते हैं। यस, इधर से थोड़ा स्ट्रेट एंड सामने जो है ये इसको थोड़ा बेंड, इधर पे अपना जो बॉडी है उसको पूरा डाउन कर सकते हैं। तो ये बन चुका है अपना फ्रेम नंबर 11। तो लास्ट पोज अभी चल रहेगा फ्रेम नंबर 12 में, ये रहा अपना फ्रेम नंबर 12। तो इसमें टोटल नीचे आ जाएगा, चार रोटेट एक्स 0 हो जाओ, थोड़ा आगे जाने वाला है एंड ये लेग सामने का लेग, सॉरी पीछे का लेग रोटेट करता है। हमेशा मैं टेल को भी कर रहा हूँ एक साथ, क्योंकि इतना बड़ा टेल है तो टेल को भी एडमिट करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। अपना बेसिक पोजेस हो चुका है, अभी प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बन चुका है टाइगर रन साइकिल, अभी इसको स्टैटिक से हम लोग करेंगे प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपना जो फ्रंट लेग है देखो कहाँ पे नीचे आ रहा है, नंबर 10 में आ रहा है। ओके 10 में, तो सब मास्टर में भी 10 में भी 10 में की रखना पड़ेगा, फ्रेम नंबर 10 में ही रखते हैं। ओके तो मैंने फ्रेम नंबर 10 में सब मास्टर में की दिया है, 12 में दिया है। ये जो बॉक्स है ना उसको 10 में इधर पे फिट करते हैं, लेफ्ट व्यू में चलते हैं, सब मास्टर को सिलेक्ट करते हैं 12। तो 12 में सब मास्टर आगे आना चाहिए ना, सीधा बात है। रफ एडिटर ट्रांसलेट जी, इसको सिलेक्ट करके पूरा लीनियर रहेगा एंड सिलेक्ट करके कर्व्स प्री इन्फिनिटी साइकिल विथ ऑफसेट, पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल विथ ऑफसेट, देखो एकदम सीधा हो गया कर्व। तो देख सकते हो सब मास्टर को मैंने क्या किया, फ्रेम नंबर 10 एंड 12 में एक सेट की मारा, उस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। मैं थोड़ा इधर पे फ्रेम बढ़ा लेता हूँ, फ्रेम 50 ले लेता हूँ, बस चेकिंग पर्पस। तो अपना टाइगर रन साइकिल रेडी हो चुका है, अबे टाइगर कहाँ पे भाग गया, ओ अच्छा सामने देखो ये जाके बंद हो रहा है साइकिल, मतलब फ्रेम नंबर 13 के बाद। तो इसके लिए कंट्रोलर ऑन करो, सबको ऐसा ड्रैग सिलेक्ट करो, सबको सब मास्टर को छोड़ दो, क्योंकि सब मास्टर में मैंने साइकिल विद ऑफसेट दिया है। चले आते हैं, ऐसा सिलेक्ट करते हैं सबको पहले, कर प्री इन्फिनिटी साइकिल एंड पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल। यस, ये देख सकते हो साइकिल ऐसा ऑन हो चुका है। ये देखने के लिए ना व्यू में इन्फिनिटी ये ऑन रहना चाहिए, अभी मैं ऑफ करता हूँ, देखो नहीं दिखा रहा है व्यू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो।